काफ़ी लंबे समय तुहानू पता ही है भी साढ़े पक्की की मंग है भी साढ़े जिन्ने मुलाजम वो साढ़े पक्के किए जा पर सरकार इस बारे कोई विचार नहीं कर रही। मैनेजमेंट चाहती है पक्के ना हो धरने मुजारे कर सरकार की मुर्दाबाद कर सरकार की बदनामी हो। PRTC ते पन बस दे कंट्रैक्टर वर्करां वल्लों अपनियां मंगां नूं लै के पंजाब सरकार खिलाफ कीता रोष प्रदर्शन। आज श्री मुक्तसर साहब दे PRTC ते पन बस दे डिपो अगे कंट्रैक्टर वर्करां वल्लों गेट रैली करके पंजाब सरकार खिलाफ रोष प्रदर्शन कीता गया। सूबा सरप्रस प्रधान कमल कुमार ने दस्या कि आप दी सरकार ने सत्ता विच आउण तो पहला सरकारी अदारियां नूं वधिया तरीके नाल चलाउण दी गल आखी सी पर सरकार बनन तो बाद पन अते PRTC दे कर्मचारियों दी तनखाह दा प्रबंध करन तो भी नाकाम हो गई है। उन्हां ने आख्या कि सरकार ने पंजाब दी जनता नूं सही सफर सहूलत देनी है ता पन बस अते PRTC दे मुलाजमां दी तनखाह अते डीजल सरकारी खजाने तो अदा करना शुरू किया जाए ता जो तनखावां समय सिर मुलाजमां नूं मिल सके। पर इस दे उलट पन बस विच आउटसोर्सिंग ते 1377 मुलाजमां दी भर्ती करन दी कोशिश कीती जा रही है जिस दा सीधा फायदा वड्डे कारपोरेट घराने नूं है अते 6 सालां विच लगभग 72 लख रुपए 1 किलोमीटर बस अते प्राइवेट बस दे खाते विच जावेगा। आखिर जेकर साडियां मंगां नहीं मन्नियां गईयां तां असी वड्डा संघर्ष करन लई मजबूर हो जावांगे। हुण सानूं इह पता लग गया सी वी जिहड़े 36,000 मुलाजम पक्के करने सी उस कमेटी 'च वी साडा नां नहीं पाया गया। उनका कारण की है वी उह सरकार नूं सही रिकॉर्ड नहीं मैनेजमेंट भेज रही है। वह किवें जदों उहनां नूं मंगिया वी 10 साल कॉन्ट्रैक्ट वाले उन्होंने रिकॉर्ड भेजा जाए साडे डिपार्टमेंट लिख के भेजदा वी साडे 10 साल वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट ते है ही नहींगा जदों कि उन्होंने बंदियां तो असीं 15 साल काम लै चुके हैं 7-8 साल उन्होंने आउटसोर्सिंग से कट्टे है तो 6 साल हुण उन्होंने हो गए कॉन्ट्रैक्ट ते। उनका कारण यही है भी जे अगर सही डाटा भेजेंगे उतों बंदे पक्के होंगे तो रौला मुकूगा धरने हड़तालें खत्म होगी तो सरकार की वाहवा होगी तो जे सरकार की वाहवा नहीं होगी सरकार ने इतना खराब किया बदनामी होगी सरकार की तो आप ही सरकार डिगूगी नहीं। ये तो जिहड़े हैगे जिहड़े मैनेजमेंट साडे डिपार्टमेंट जिवें डायरैक्टर हो गया डायरैक्टर कार्यकारी डायरैक्टर हो गया जिन्हें रिकॉर्ड बनवाना होंदा डिपू कमेटियां होगी जिन्हें रिकॉर्ड भेजना होंदा हालांकि ये रिकॉर्ड ये भी बना के भेज सकते थे भी साढ़े को पिछले 7 साल इन्होंने आउटसोर्सिंग से काम किया पर भर्ती लीगल से पिछली सरकार उन्होंने मन के गई संदीप सिद्धू नाल भी वो गल हुई है उन्होंने मनी है भी तुहाड़ी भर्ती लीगल है क्योंकि डिपार्टमेंट का एड च ना आया पंजाब रोडवेज का ना आया तो हो सकते हैं तो जे उन्होंने रिकॉर्ड पिछला चक लिया जाए तो सारे बंदे पक्के होंगे 10 साल वाले भी पक्के होंगे 10 साल करते भी मंत्री साहब नाल साडी मीटिंग हो चुकी सूबा प्रधान 2-3 बार मीटिंग हो गई है बस वो तो यही कहते भी सानूं मुख्यमंत्री साहब ने पक्के करना जी उन्होंने पता पिछे जो उन्होंने एक बयान दिता भी असी तो साढ़े तो बंदे ही नहीं जो पिछली सरकार देंदिया नहीं आ जदों कि इस जी सरकार बनी वो भी मन चुकी है भी बंदे साढ़े ही हो पर साढ़े को खजाने की कमी होने करके अभी या टाइम कमी होने करके तुम्हें नहीं कर पाए पिछे रजी जा सुल्तान जी मेरी आपकी मीटिंग हुई थी जिंद क्लीयर हो गया सैकटरी केशवा प्रसाद से डायरैक्टर साहब से मैडम आप सी तो असी पांच जने से उन्होंने जो सारे कागज़ देखे भी भर्ती की एड आई है प्रोपर कागज़ चैक किए कमेटी ने प्रोपर कमेटी ने टैसट लिया इंटरव्यू ली उस तो बाद ट्रेनिंग देकर फिर बंदे रखे गए हैं तो वो पक्के करने बंदे से तो इस करके उन्हें बने से थोड़ी पहली भर्ती लीगल से आह भर्ती भी लीगल है जो दोनों भर्तियां लीगल हैं तो जो 10 साल वाले सरकार ने करने तो पिछला रिकॉर्ड चक लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट वाले का पिछले 5 साल काम किया सारे 10 साल तो उत्ते होंगे प्लस 15 साल 14 साल हो गए हरेक के तो बंदे पक्के होंगे सरकार की बचता है सरकार के हक से होंगे सारा काम पर मैनेजमेंट ये नहीं चाहती पक्के हो मैनेजमेंट चाहती है पक्के ना हो धरने मुजारे कर सरकार की मुर्दाबाद कर सरकार की बदनामी हो इस करके अज भी यह मीटिंग ता ही रखी गई थी भी सानू साडे लोग वर्करां जिस करके रोस है भी पिछे जे 36,000 मुलाजमान जो 3 सरकार पक्के कर गई नहीं हुए हूँ आ सरकार कर जा रही उन्हें साडा नाँ नहीं है तो असं कितों आस करांगे किहड़ी सरकार को जावांगे किनू कहांगे सानू पक्के किया जाए जदों कि असी तो किसी को तनखाह लेनी नहीं असं तो आपकी खुद कमाई करके डिपार्टमेंट चला रहे हैं तो सानू पक्के करने कोई हर्ज भी नहीं हैगी पर प्रोपर सही गाइड नहीं कर रहे मैनेजमेंट डायरेक्टर साहब या सैकटरी साहब साढ़े गाइड नहीं कर रहे सही मुख्यमंत्री पंजाब नूं भी इस तरह पक्के हो सकते हैं। एक दिन की गल दसी है साडा पिछला ठेकेदार सीगा SS प्रोवाइडर वो छड़ के चलिया सी डिपार्टमेंट नूं ते सैकटरी ने 15 मिनट प्रपोजल बना ली सी भी जिन्ने वड्डे आउटसोर्सिंग ते हैगे सारे अडोप्ट कर लो उस तो बाद उसने कांग्रेस सरकार दे किसी मंत्री नूं 5 लाख रुपया डोनेशन फंड दिता
उस तो बाद 15 मिनट बाद मीटिंग से जाके वो कहता भी मैं आगे ठेका चलाऊंगा। जो वो ठेकेदार चला जाता तो फिर भी सरकार ने रखना ही गड्डियां साढ़े तो चलवानी सी अडोप्ट कर लेना अच्छ कौन करती सरकार अच्छ सू अडोप्ट करे पक्के करे कौन नहीं करती सरकार जान के नहीं करती। जे मंगा ना मनिया गई जी तो 14-15-16 की हड़ताल रखी है धरने मुजारे रखे हाईवे जाम हो गए तो 2 तरीक तो गां है हड़ताल PRTC के हैडक्वाटर से क्योंकि जी किलोमीटर गड्डिया पा रहे हैं उन्हें तो दस दिए सरकार उत्थे गुमराह किया जाता जी गड्डिया पाँदे है वो तकरीबन GM के रिश्तेदार गड्डिया पैदा 3 साल चो गड्डिया का कर्जा लिया जाता 2 साल वो डिपार्टमेंट जो कमाई खाते है उस तो बाद 2 साल होर बधा लेंगे टाइम पीरियड 7 साल कमाई डिपार्टमेंट तो लै लेंगे है तो उस तो बाद गड्डी भी उन्होंने को रह जाती है जिन्हें 15 साल कमाई करनी है तो वो सरकार का नुकसान हो रहा डिपार्टमेंट का नुकसान होंगे यही जो डिपार्टमेंट लोन तो गड्डिया लेंदा तो 3 साल से कर्जा ला के पूछे 15 साल तक कमाई देंगी गड्डी तो सरकार कमाई वाला सौदा क्यों नहीं करती क्यों किलोमीटर गड्डिया पवा रही प्राइवेटा फायदा देने वास्ते मैनेजमेंट को कमाई करने वास्ते दे रही ना सरकार की बदनामी तो जानबूझ के करवा रही मैनेजमेंट जे यही गड्डिया लेने तुम लोन पर ही है तो ड्राइवर कंडक्टर ने लोन ला लोन तो गड्डिया लो सरकारी पाओ ताकि 3 साल कर्जा ला के बाकी 12 साल उनकी कमाई सरकार खावे डिपार्टमेंट नू मिले पर नहीं हो रहा जी। पारस संदेश लिए श्री मुक्तसर साहब तो अनमोल सिंह वड़िंग की रिपोर्ट।